वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग मैथ की क्लास पर बात करेंगे आप लोगों से कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, इकाई के अंक वगैरह जो भी है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो पिछले वीडियोस जरूर देखें, वहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा नंबर सिस्टम। काफ़ी पौन पौन घंटे की क्लासें हैं, ठीक है, 38 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। तो यहाँ पर समझते हैं, बहुत अच्छे से समझाने का आप लोगों को प्रयास भी हो रहा है। तो आज हम लोग अगर समझते हैं, देखो विभाजिता के नियम पढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। उसमें आप मेन देखो, 5 का पता ही, 0, 5, 2 में 1 अंक, 4 में ये, 3 में 3 में अंकों का जोड़, 9 में भी अंकों का जोड़, तो सारे इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं, ठीक है। 11 का जरूर मैं बता सकता हूँ, 11 पे सवाल आ जाता है, अभी सीटेट में भी देखने को मिला था। तो 11 का सिंपल सा रूल ये है कि 11 का रूल ये है, यदि किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग क्या है, बस 11 का आप समझ लो, वो कभी कभी सवाल पूछती, अक्सर सवाल पूछता है, SSC में भी पूछा जाता है और आपके इसमें भी आ सकता है। यदि सम संख्या के अंकों का, वे संख्याएं समझना, किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग, किसी संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग, जब आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा तब आप समझे, सम स्थान पर अंकों का योग विषम अंकों के योग के, ठीक है। अगर उनका अंतर 0 है या तो किसी 11 से कटने वाला डिजिट आ जाए, 0 या 11 से कोई डिजिट आ जाए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ 1331 है, ये 11 से कटती है ना, आपको पता है। लेकिन अगर इसको हम चेक करना चाहें तो ये आपका विषम अंक हो गया ये, और ये भी विषम अंक हो गए, ठीक हो गया कि नहीं। तो दोनों का योग करना है, तो इसका सम वाले का योग कितना होगा, 3 × 4, और 3 × 4 4 = 4 = 0, अर्थात ये संख्या विभाजित है। अब इसे 121 है, ठीक है, तो यहाँ से इसको करोगे तो इससे घटाया जाएगा, तो 2 - 2 = 0। कोई भी संख्या आप ले लें जो 11 से कट रही होगी तो वो हमेशा जो है क्या होगा, जैसे मान लेता हूँ 143 है, तो 3 × 4 4 - 4 = 0, तो वो भी 0, या तो वो 0 से कट रही होगी या 11 के किसी मल्टीपल से। सम और विषम का अंकों का योग, सम के अंक और विषम के अंकों का अंतर क्या होगा, अंतर, विषम के अंकों का अंतर या तो 0 या 11 के किसी मल्टीपल में जरूर होगा, ठीक है, समझ सकते हो, इस बात को समझ गया। 11 का हमने बता दिया, अब एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं क्या, ठीक है, कि बोडमोस को भी समझ लेते हैं यार, बोडमोस को भी लगे यार समझ लेते हैं, आपको रीजनिंग में भी काम देगा और यहां पर भी काम दे रहा नंबर सिस्टम में, बोडमोस तो बहुत जरूरी है। तो बी का मतलब होता है भाई ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है क्या, डिविजर, भाई भाग, इसका मल्टीप्लाई, इसका एड, इसका सबट्रैक्ट, हिंदी में समझते हैं, ब्रैकेट ऑफ, पहले देखो कोई भी कोष्टक हो, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये क्रम होता है। पहले अगर कोई भी संख्या कोष्टक में लिखी है तो पहले आप किसको करेंगे, छोटे कोष्टक को, फिर उसके बाद मझले कोष्टक को, फिर उसके बाद बड़े कोष्टक को, ये क्रम होता है अगर कोष्टक में सवाल है। तो यहां से यहां आएंगे, फिर इसके ऑफ का मतलब का, अगर कोई का वगैरह लिखा तो उसको करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट, तभी सवाल लगेगा, इसी को बोडमोस करते। एक और होता है वी बोडमोस बोलते हैं उसको, इसी का रूप है, उसमें वी और लग जाते हैं, वी का मतलब होता है वेक्टर, इधर वेक्टर नहीं मतलब यहां, इस तरीके से आपने जैसे सवाल देखे होंगे, मान लेता हूं कोई एक सवाल बना लेता हूं, 4 - 5 - 3 और ये कोष्टक लगा और इसके ऊपर ये लगा दिया, तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इसको आपको हल करना होगा जहां पर ये लगा होगा, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो ये होते हैं बोडमोस, बोडमोस के आप जितने भी सवाल लगाने हो, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी सवाल लगाना हो तो बड़ा आसानी से हो जाएगा आपका, बोडमोस जहां पर यूज होना होगा वहां पर हम लोग बड़ा आसानी से, इसी तरीके से याद रखना वी बोडमोस, ठीक है, वी बोडमोस, ठीक है, पूरा इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन बता दिया। चलते हैं आगे, आगे जब चलेंगे हम लोग तो बोडमोस आपका हो गया। अब देख लेते हैं यार कि मतलब अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें। अभाज्य संख्या पर अक्सर आपको सवाल मिल जाएंगे देखने को कि कोई संख्या मतलब कट रही है नहीं कट रही है अभाज्य संख्या से, क्योंकि उसमें कैंडिडेट फंस जाता है ना। तो क्या करते हैं, अभाज्य संख्या की जांच कैसे, मतलब ये कुछ इस तरीके से लिख दिए जाते हैं कि उसमें ऐसा लगता है कि दोनों अभाज्य संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या, देखो 1 से लेकर 100 तक तो आपको याद ही है। तो उसको चेक करने के लिए क्या है, मान लीजिए एक संख्या लिखता हूं मैं 173,
इसको चेक करना है हमें कि भाज्यता की जांच करनी इसकी, ठीक है, कि भाई ये भाज्य या अभाज्य। तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है। अगर पूरा कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसके जो नियरेस्ट स्क्वायर होगा, इसीलिए मैंने कहा कि स्क्वायर को आपको याद करना रहेगा, ठीक है, क्या करना रहेगा, आपको याद करना होगा, ठीक है। जैसे ये है संख्या आपकी, ये हो गई, तो इसमें हमें ये पता लगाना है कि इसके नियरेस्ट वर्ग कौन सा होगा, वर्ग का स्क्वायर, समझ रहे हो। मतलब अगर 15 से करोगे तो 225 हो जाएगा, 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 196। इसके नियरेस्ट और इससे बड़ा, बस इतनी सी आप बात समझ लो कि छोटी संख्या का पता लगाएंगे उसका वर्ग दी हुई संख्या से बड़ा हुआ। अब जैसे हमें पता लगा कि इसके नियरेस्ट ये आया वर्ग, ठीक है भाई, 13 कितना होगा, 169, तो इससे छोटा हो जाएगा 169, है ना, तो ये अभी बड़ा है, 169 से 173 बड़ा है। तो अब 14 निकल के आया, तो 14 से जितनी भी छोटी, 14 से जितनी भी छोटी, जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है, 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे हम भाग देकर चेक करें, अभाज्य संख्या है भाग देकर चेक करें, क्या करेंगे, भाग देकर चेक करेंगे, ठीक। अब 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी बताओ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही दो है, बस इनसे सटासट चेक कर दो। देखो 2, 3, 5 तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि अंकों का 7, 3, 10, 11, 2 इकाई के अंक देख लिया, ये देख लिया, 0, 5 है नहीं, ये भी बार खत्म हो गया, 7 से चेक कर लो, ठीक है। तो 7 से जब इसको चेक करो, 7, 2, 14, 14, 3, 33, 7 से भी नहीं है, 11 से चेक कर लो, 3, 1, 4, 4, -3, 11 से भी नहीं है, भाई 11 का भी रूल बताया, इनका इनका अंक करो, इससे घटा दो, 13 से काटो, 13 से जब हमने काटा तो 13, 4, 17, अर्थात ये किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, अर्थात ये आपकी संख्या जो है 173 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या, समझ लो, सिंपल सा लॉजिक है, 173 एक अभाज्य संख्या। अब हम कंफर्म कह सकते हैं, अभी हम लोगों को कंफर्म नहीं था, यार लग रहा है कि 173 कंफर्म इस तरीके से हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई और आपको दिखाता हूं, कोई एक और ले लेता हूं, 187 ले लेते हैं यार, ठीक है, 187 अगर मैं लूं तो 13 का कितना होगा, 169, 14 का 196, अभी भी 14 ही है, तो 14 जब है, 14 में 196, 14 में कितना होगा, 196, ठीक है, स्क्वायर याद हो गया, इससे बड़ा भी है, तो हम इसको चेक कर लेंगे, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो 2 का हमें पता है, 3 का पता है, 8, 7, 15, 16 इसमें है नहीं, 7 से काट लेते, 7, 2, 14, 4, 8 आओ इसको, 9 में भी 8, 7, 15, 16, ये भी इसमें भी नहीं, ये तो होती नहीं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11 से काटते, 7 एक देखो कट गई, 7 एक 8, 8 माइनस 8, 0, ये संख्या 11 से एकदम विभाजित है, तो इसीलिए ये एक भाज्य संख्या है, देखो निकल के आ गया, ये क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है, हो गया। 13 से काट के अगर देखेंगे, 13, 13, 5, 18, 13, जो भी देखते हैं, 53, 52, 57 नहीं होता, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये संख्या विभाजित है, अर्थात ये अभाज्य, लेकिन देखने में लग रही थी कि ये अभाज्य है, लेकिन ऐसा नहीं था, समझ गया मेरी बात को अच्छे से। तो इसलिए उम्मीद ये बताना बहुत जरूरी था कि अभाज्य संख्या से रिलेटेड टीटी से लेकर हर एक चीज में पूछा जाता है कि क्या मान होगा, क्या नहीं होगा, है ना। और अगर मैं आप लोगों से कुछ और सवाल पूछूं, अब देखो भाज्यता पर किस तरीके सवाल आ सकते हैं उसको मैं बताना चाहूंगा, उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं तो वो आप समझ लें। मान लेता हूं मैं इस तरीके सवाल देखने को मिल जाते हैं कभी, कि बहुत सिंपल से होते हैं, बहुत बड़ा सवाल बना रहा हूं, है ना, यहां एक लगा दिया स्टार, ठीक, और 62, और इन्होंने लिख दिया कि ये संख्या जो है 9 से भाज्य, संख्या 9 से भाज्य, 9 से भाज्य है तो इसके स्थान पर क्या आएगा, बस इतना पूछ दिया, 9 से भाज्य है तो पूछ रहा है इसके स्थान पर क्या, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि 9 से इसको चेक करना, अंकों के योग में अगर 9 से भाग जा रहा तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। तो हमने किस तरीके से चेक करोगे, देखो एक तो तरीका होता है इसको पूरा जोड़ लो, तो जोड़ने में देखो 7, 6, 13, 3, 16, 8, 24, 4, 28, 5, 33, 6, 39, 2, 41, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इसके 9 के मल्टीपल में तोड़ लो, 6, 3, 9, ये हट गया, ठीक है। अब देखो 7, 2, 7, 2 कितना होगा, 9, ये भी कट जाएगा, 5, 4,
नौ, ये भी कट गया, आठ छह चौदह, चौदह अर्थात नौ से भाग दिया तो कितना बचा, पांच, अर्थात स्टार पर अगर हम चार और दे दें तो ये संख्या पांच चार नौ बना के नौ से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक ही अंक है, दो नहीं लेने। तो इस तरीके से बड़ा आसानी से निकल आता। समझ पाए या नहीं, नहीं समझ पाए तो कमेंट कर देना, दोबारा अगली वीडियो में समझा दूंगा। इसमें कुछ नहीं, केवल नौ के मल्टीपल में ब्रेक कर लो, पूरी अंक मत जोड़ो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। इस तरीके से निकाला जाता है। अब अगर हम लोग आगे चले तो किस तरीके से सवाल बन जाते हैं, क्या देखो, स्थानीय मान, जाति मान, ये सारे हो ही चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा हल्का सा सीरीज के बारे में समझ लेते हैं, जो आपको इंटर में देखने को मिला होगा, एपी जीपी और एचपी, यही तो दो दो ही तो होती है, लेकिन मेन जो होती है एपी और जीपी होती है, उनका काम कभी कभी पड़ जाता है, हमेशा नहीं पड़ता है, ठीक है। समांतर श्रेणी का क्या होता है, थोड़े से फार्मूले होते हैं, समांतर श्रेणी का एक फार्मूला होता है, देखो वो बताता हूँ, उसको इलेबरेट कर देता हूँ। टीएन बराबर समांतर श्रेणी का जब एनवा पद निकालना होता, समझ लो, फिर मैं मतलब उदाहरण से भी समझाऊंगा। समांतर श्रेणी का एनवा पद यदि ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, एनवा पद ज्ञात करना हो, ठीक है, तो फार्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी। यहां पर ये तो पद हो गया, उसका ए क्या होता है, प्रथम पद, एन होते हैं नंबर्स, ठीक है, संख्या, डी होता है सार्वांतर, डिफरेंस, ठीक है, जो उसका हर जगह समान, समांतर श्रेणी मतलब है कि हर जगह वो समान होगा। किस तरीके से सवाल आपको देखने को मिल सकता है वो मैं बताता हूं। अब मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया आपको यहां पर कि 2 + 4 + 6 + 8 + ……, एनवा पद ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, टीएन बराबर हमारा फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यही तो है, तो टीएन हमें एनवा पद ज्ञात करना है, ए क्या होगा, प्रथम पद हम लिख देंगे, टीएन एनवा पद अगर निकालना है तो एन को एन रहने दे, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें नहीं पता, यही तो निकालना है, और डी कितना है, तो इसका इससे अंतर, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये देखो हर जगह समान है, इन दोनों का गैप कितना है, दो, इसका कितना है, दो, हर जगह समान होगी, इसीलिए क्या है, समांतर श्रेणी, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, दो, तो यहाँ पर जो सवाल बनता है टू एन श्रेणी का एनवा पद होगा, बस निकल जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो टी एन बराबर क्या होगा, 2 + 2n - 2, 2 से 2 घट जाएगा, अर्थात 2n आ जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब अगर मैं आपसे बोल दूं, ये देखो एनवा पद निकालने को हो गया, कब, अब इसी में पूरे टर्म मान लीजिए मैं दे देता हूं, चलिए एक और सवाल लगाता हूं, समझाता हूं आपको, मान लेता हूं मैंने ये दिया आपको, एनवा पद निकालना था 2 4 6 8 एनवा पद निकालना था, तो आपने लगाया कि tn बराबर a प्लस n माइनस वन इन टू डी। इसमें कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या हो सकता है, मान लीजिए मैंने पद दे दिया, ठीक है, तो यहां से आप बड़ा आसानी से कुछ भी इसी में से एनवा पद आपका निकल आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक, इस फार्मूले से। दूसरा अगर इनका पूछ देता है कभी कभी योगफल, योगफल के लिए क्या किया जाता है, तो वो बता देता हूं, उसमें क्या होता है, Sn बराबर, योगफल के लिए क्या होता है, Sn बराबर n by 2, योगफल के लिए फार्मूला है 2a plus n minus 1 into d। अब आपको पता है एनवा पद, हमें पता है कि मान लीजिए कोई चार टर्म है इस तरीके से लिखे हुए, 2 4 6 8, हमने पूछा इसका योगफल निकालना, इन संख्या का, ठीक है, इस संख्या का योगफल निकालना है हमें, अभी मतलब इनको जोड़ना नहीं आता, मान लीजिए हम बिल्कुल बेकार हैं, तो इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो n कितने हैं, 1 2 3 4 4n है, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ n कितने हैं, 4, और प्रथम पद कितना है, 2, n कितने हैं, 4 माइनस 1 इंटू d कितना है, इसका और इससे डिफरेंस, अर्थात 2, अर्थात अब कितना आ जाएगा, 2 अंदर देखो, 2 × 4 + 6, यही तो आएगा, देखो 4 में से क्या, 3 × 3 = 6, 10 × 2 = 20, ये आ गया इसका योगफल, इसको गिनो, 1 2 3 4, ये है 4 × 2 = 6 × 12 = 8 = 20, आ गया आंसर कि नहीं। तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई भी कुछ भी दिया जा सकता है आप लोगों को, तो इस तरीके से बड़ा आसानी से आप लोग सवाल लगा लेंगे, फंसेंगे नहीं एपी के सवाल, ठीक है, तो इस तरीके से फार्मूले से सवाल, योगफल, एनवा पद, कुछ भी बड़ा आसानी से निकल आएगा, समझ गए। अब समझते हैं जीपी,
जीपी को भी थोड़ा सा समझ लो, क्या पता दे दे, है ना, दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जीपी में क्या होता है, कुछ इस तरीके की सीरीज चलती है, AR, AR स्क्वायर, R देखना इस तरीके से, ठीक है, AR 4 इस तरीके चलता रहेगा टर्न, ठीक है। मान लेता हूं मैं आपको दे दूं एक सवाल, कुछ भी, ठीक है, 3, 6, 12, 24 का दसवां पद निकालना। इसी तरीके से एपी में था कि मान लीजिए एनवा पद निकालना था, उसमें हमने पूछ दिया कि 2, 4, 6 का पांचवा पद निकाल लो, 2, 4, 6 का पांचवा पद निकाल लो, तो किस तरीके से निकालो बताओ। टी एन बराबर ए कितना हो जाएगा, 2 प्लस टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 निकाल लो भाई, 2 प्लस 5 माइनस 1, 4 × 8, 10 आएगा। इसका जो पांचवा पद आएगा वो 10 होगा, इस तरीके से निकलता भाई, 2, 4, 6, अब पांचवा है तो 8, 10 रीजनिंग लगा दो तब भी निकल आएगा। तो ई एनवा पद निकालने का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से इसका निकाल देते हैं, तो इसके दो फार्मूले होते हैं, उसको भी समझा देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे अरे सर आपने समझाया। देखो तो सारवा अनुपात इसमें होता है, इसमें क्या होता है, वहां सारवांतर होता है, इसमें सारवा अनुपात होता है, सारवानुपात नहीं सारवानुपात, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, R2 बटे R1 अर्थात 6/3, ये हर जगह समान होगा। R2 बटे R1 R3 बटे R2 अगर आप करेंगे 12/6, ये देखो हर जगह तो ही दो आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको किस तरीके से लगाए, तो इसमें जब एनवा पद निकालने की बात आती है तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है Tn बराबर Ar n माइनस 1, कितना होता है Tn बराबर Ar n माइनस 1। तो A कितना होगा, A हमेशा प्रथम पद होता है, तो 3, R कितना है इसका 2, 3 × 2, N कितने हैं, N कितने है बताओ, N आप बता पाएंगे, दसवां पद निकालना है तो N 10 है, तो 10 − 1 = 9, तो 3 × 6 = 6 की पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा, बड़ा आसानी से निकल आएगा। तो ये इस तरीके से एपी जीपी के सवाल हो गया, ठीक है। चलिए अगली तरफ चलते, एपी जीपी में हमने समरी आपको बताई, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया, ठीक है, इतने से ही सवाल आते हैं प्रायः देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी दूसरी इंक ले लेता हूं जिससे आप लोगों को समझने में सही रहे। अगले कुछ फार्मूले समझ लेते हैं बेसिक आज, फिर इसका सीधे सीधे आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को याद होंगे लेकिन यार औपचारिकताएं करनी पड़ती, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, समझाना पड़ेगा, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनके काफी यूजेज आपको देखने को मिलेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये सारे फार्मूले होते हैं। और a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें लड़का अक्सर कंफ्यूज होता है, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, तो ये आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं इतने क्वेश्चन, ठीक है। अभी और भी कुछ फार्मूले आपको बताता हूँ, ठीक है, यहां देखिएगा, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारे फार्मूले जो गए, अब कुछ आपको टर्म्स ये भी याद होने चाहिए। मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया ए बी की पावर एन, मतलब एम की पावर एन नहीं होता, ठीक है, तो अगर इस तरीके को किस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो किसी भी मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या लिखी ए बी की पावर एन, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, गुणा में घाते जुड़ती तो वही सब हो जाता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गुणा में घाते जुड़ते तो ए बी की पावर 2n भी हो जाएगा अगर इस तरीके से लिखा जाए, अलग अलग भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर भाग दे दिया जाए, मान लेते हैं हमने दे दिया भाग, बटे ए की पावर y लिखा है, ठीक है, तो ए की पावर x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि इनके बेस जो है बराबर है, तो घात क्या कर दी जाएंगे, लेस हो जाएंगी। अगर मान लीजिए ये लिखा हो ए की पावर x बराबर बी की पावर x, यदि बी की पावर y, सॉरी बी की पावर y,
बी की पावर वाई इस तरीके से। मान लीजिए यहां पर लिख दें ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई, अगर ए की पावर वाई ठीक है, अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी, इस बात को समझ लो। अरे आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी, घाते भी बराबर अर्थात एक्स बराबर वाई, सिंपल सही रिजल्ट होते हैं। यदि घाते बराबर है तो आधार भी बराबर होगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लो। एक फार्मूला होता है वो एलजेब्रा में बताया जाएगा, ठीक है, वो एलजेब्रा में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये नंबर सिस्टम के थे जितना बेसिक था वो सारा मैंने करा दिया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक, SCF, SCF वो सारा बताया जाएगा। लेकिन इसके बाद हम लोग करेंगे सीधे अब प्रैक्टिस, सवालों की प्रैक्टिस, कि नंबर सिस्टम से किस किस प्रकार के सवाल बन सकते। मेन हम लोगों का उद्देश्य वही होगा, वहां पर चीजें आपको समझ में आई जो मैंने बताया उसका इम्प्लीमेंटेशन करके सवालों को कितनी हम लोग तेजी से लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अगला जो सेशन होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट का होने वाला, सीधे सीधे नंबर सिस्टम के टोटल क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को बड़ा आसानी से लगाने होंगे और समझने होंगे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे। अभी ये प्रैक्टिस सेट नहीं, केवल नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद धीरे से जब मैं अगला टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके पूरे करा दूंगा। तो जुड़े रहिएगा, मैं दोबारा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।